Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. Viewers, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Viewers, आज हम बेटनिसोल टैबलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेटनिसोल टैबलेट्स को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो बेटनिसोल टैबलेट से रिलेटेड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप जान सकते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा. और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली पर आप तक पहुंचती रहे. तो व्यूवर्स, बेटनिसोल टैबलेट्स की फॉर्मुलेशन है बेटामेथासोन. बेटामेथासोन जो कि एक स्टेरॉइड है, ये स्टेरॉइड टैबलेट्स हैं. वो बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है. व्यूवर्स, बेटनिसोल टैबलेट्स को हर किस्म की इन्फ्लेमेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको सीवियर एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है. इसको इचिंग यानी स्किन पर होने वाले ख़ारिश में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके अलावा इसको गले की ख़राबी की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है. जब गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हो, गला बैठ जाए, इसको उस सूरत में भी इस्तेमाल किया जाता है. बेटनिसोल टैबलेट्स को बच्चों में टोन्सिलाइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता है. टोन्सिलाइटिस एक वो गले की कंडीशन होती है जिसमें गले में बहुत ज़्यादा पेन होती है और बच्चों में जो टोन्सिल्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, उसकी वजह से उनका गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है. तो बेटनिसोल टैबलेट्स को टोन्सिलाइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता है. इसको खांसी को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. खुश्क खांसी जो कि किसी भी टैबलेट से, किसी भी मेडिसिन से ख़त्म नहीं हो रही, बेटनिसोल टैबलेट खांसी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. ये शदीद किस्म की खांसी को ख़त्म करती है. उसके साथ साथ दमा यानी एस्थमा के पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको एस्थमेटिक एलर्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है. इसको हर किस्म की एलर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके जिस्म में कहीं भी इंफ्लेमेशन है, सोजिश है, आप उस केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. बच्चों में इसके ड्रॉप्स भी आते हैं और आप बच्चों को इसकी टैबलेट्स भी इस्तेमाल करवा सकते हैं. बड़ों में टैबलेट इस्तेमाल की जाती हैं. तो बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है. व्यूअर्स, अगर तो आप इसको गले की ख़राबी और खांसी या टोन्सिलाइटिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप एक टैबलेट को 10 से 20 मिलीलीटर पानी में डिजोल्व करके यानी हल करके कर लें और फिर आपने इस पानी को 5 मिनट तक इस पानी से गरारे करने हैं. यानी इस पानी से आपने 5 मिनट तक गार्गल करना है. गरारे करने के बाद आपने इस पानी को स्पिट आउट कर देना है, फेंक देना है. आपने इसको गले के अंदर नहीं लेके जाना. इस तरह से आपकी खांसी, गले की खराबी, टोन्सिलाइटिस, ये तमाम कंडीशन ख़त्म हो जाएंगी. अगर आप इसको किसी और इन्फ्लेमेशन या एस्थमा या किसी और इन्फ्लेमेशन या एलर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको पानी के साथ, एक गिलास के साथ आप इसको स्वैलो भी कर सकते हैं. व्यूवर्स, एक बात का ख्याल रखना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें बेटामेथासोन पाया जाता है जो कि एक स्टेरॉइड है, इसलिए आपने ज़्यादा देर लॉन्ग ड्यूरेशन इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना. व्यूवर्स, इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं. अब हम उन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं. व्यूवर्स, ये साइड इफ़ेक्ट्स तब भी होंगे अगर आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक इस्तेमाल करेंगे और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल ना करेंगे तो ही आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि मूड चेंजेस, मूड में चेंजेस आती रहती हैं, मसल्स वगैरह में पेन रहती है, वीकनेस फील होती है, स्वेलिंग हो जाती है पाँव में या हाथों में, उसके साथ साथ स्किन पर ख़ारिश वगैरह हो सकती है. ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं. तो व्यूवर्स, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सस्ती मेडिसिन है, बहुत अफोर्डेबल इसकी प्राइस है. इसकी ये पूरा पैक इसका तकरीबन 25 से 30 रुपए में आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है. बेटनिसोल टैबलेट बहुत अफोर्डेबल है लेकिन इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. आपने इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना ताकि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े. तो व्यूअर्स, अगर आपको बेटनिसोल टैबलेट की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.